प्रदीप कल बुखार था यार, ले चल फिर लेने लगे। अरे मम्मी सच में कल जब मैंने अपना टेम्परेचर मेजर किया था तो अराउंड 100 फ़ारेनहाइट मुझे बुखार था, बट क्या करूँ, बच्चों के लिए लेक्चर तो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए सोच रहा हूँ ले रहा हूँ। मम्मी कहाँ जा रही है? राइस लेने के लिए। राइस लेने जा रही है, तो एक काम करना 20 kg राइस ले ले, और ऑयल भी ले लेना, ऑयल भी अराउंड 20 लीटर ऑयल ले लेना, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है, तो ले लेना जल्दी, जितना ज़्यादा सामान ले सकती उतना ज़्यादा सामान ले लेना। ओके ठीक। प्रदीप लेक्चर चालू हो गया है, रिकॉर्डिंग चालू है। अरे भैया बताना चाहिए था ना। हाँ चालू करो, इसको डिलीट कर देना, इसको प्लीज डिलीट कर देना। तो दोस्तों हाय, कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद आपके सर मिल रहे हैं, तो मिलके खुश हो कि नहीं? मुझसे खुश हो कि नहीं पहले बताओ, खुश हो? ओके, तो जो जो मुझसे पहली बार मिल रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करे, क्योंकि पी मतलब प्रदीप एंड पी मतलब फिजिक्स, और दोनों के कॉम्बिनेशन आपके दिमाग को इतना हिला देंगे कि आपके अंदर वह फिजिक्स से फिजिक्स दिखाई देगा दोस्तों, फिजिक्स चारों तरफ फिजिक्स, फिजिक्स ही दिखाई देगा। तो दोस्तों आज से आपका स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड का, क्योंकि बच्चे पहली बार फिजिक्स पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट यहाँ से जो फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो इसके अंदर कोई भी चैंपियन भी बन सकता है, कोई हीरो जीरो भी बन सकता है, क्योंकि हो सकता है जो 90% वाला बच्चा 50% वाला ही बन सकता है, क्योंकि अब बेस स्टार्ट होगा, यहीं से सब कुछ स्टार्ट होगा। यहाँ से टॉपर, अगर अपने आपको टॉपर बना के रखना है तो उसको वैसा ही मेहनत, डबल मेहनत करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल को टॉपर बनना है तो बहुत आसान है, उसको तो थोड़ी कंपटीशन लड़ना है, उसको तो बस आगे बढ़ना है, उसके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, बस पाने के लिए बहुत कुछ है। तो रेडी हो जाओ, तैयार रहो और जम के मेहनत करो। टॉपर आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि इस बार हर साल ऐसा होता है कि 10th वाले स्कोर करने वाले बच्चे 11th एंड 12th में हाफ हो जाते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से इसमें सब कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप चाहिए तो आप देख लो, आजू बाजू में जाके देख लो। तो आज से जीटी ने वैसे स्टार्ट कर दिया, जीटी ने स्टार्ट कर दिया, हम थोड़े देर से आए हैं, इसके लिए हम सॉरी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत सारा काम आ गया है, इसलिए हम थोड़ा देर से आपके सामने आ रहे हैं, बाकी देर है दुरुस्त है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट लेसन, जो है नाम ही नहीं लिखा मैंने, तो मैं बता देता हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट लेसन नंबर फर्स्ट फिजिक्स 1। दोस्तों आपको क्या लग रहा था स्टार्टिंग में, जो मैं कर रहा था, जो स्टार्टिंग में बोल रहा था, वो क्या कर रहा था? मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब जस्ट ऐसे ही ब्लफर बना रहा था? ना 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 दोस्तों, उसका भी अपने लेसन से लेना देना है, उस लेसन से लेना देना है। लेसन का नाम ही क्या है, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट, यूनिट और उसको मेजर करने के लिए जो जो मेजरमेंट, जो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, वो कैसे आया क्या, बहुत सारे डाउट आपके मन में होंगे दोस्तों, क्योंकि जब हम 8, 9, 10 में जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हो सकता है आपको डाउट आता होगा, पर उसमें आप रट्टा मार लेते थे, क्योंकि बेस उसके अंदर उतना नहीं था, उसमें बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट दी थी। कभी आपने ये सोचा कि कहीं कैपिटल में लिखा रहता है, कहीं स्मॉल में लिखा रहता है? हाँ, प्रदीप सर ने कभी कभी बताया होगा जो हमारे स्टूडेंट होंगे। अब 10th 9th में कभी कभी बहुत सारे यूनिट्स को आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैपिटल में लिखे रहते, बहुत सारे स्मॉल में लिखे रहते, कभी कैसे लिखे रहते? तो दोस्तों सबका आंसर है हमारे पास, क्योंकि आपका फिजिक्स, फिर से बता रहा हूँ, बेस से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बेस से। तो बेस से जरूरी है कि आपको पूरा फोकस लगा के रखो, ध्यान लगा के रखो फिजिक्स में। हाँ वैसे पी फॉर फिजिक्स होता है, पी फॉर प्रदीप भी होता है, पी फॉर पकाऊ भी होता है। तो फिजिक्स अगर आप ध्यान नहीं दोगे सच में है, बट प्रदीप सर आपको लगने नहीं देंगे। ओके, क्योंकि पी से प्यार भी होता है, और प्यार से समझाएंगे, और थोड़ा भी पछतावा नहीं होगा कि पी फॉर पछतावा भी होता है कि आपने साइंस ले लिया। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आप फिजिक्स आपने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपको ये तो पता रहना चाहिए फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फिजिक्स क्या होता है। तो मैंने एक डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन दिया हुआ है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सही बात है, जैसे साइंस के बहुत सारे ब्रांच जो आप पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, ये सब किसका, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, ये सब किसका ब्रांच है, साइंस का, साइंस का ब्रांच है, आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ये सब किसका ब्रांच है, किसका ब्रांच है दोस्तों, साइंस का ब्रांच है। तो उसमें से एक ब्रांच हम पढ़ने वाले जो है फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड फिजिकल थ्योरी। ये तो रट्टा हो गया,
फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील विद द, किससे डील करेंगे, मेजरमेंट एंड इट्स फिजिकल थ्योरीज। फिजिकल थ्योरीज ये तो अपने को डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए है कि डिफाइन, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ऐसे ही करता हूँ 11th का कि सबसे पहले आपको फिजिक्स मतलब पता रहना चाहिए, सब कुछ पता रहना चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं, आपको क्या है, तो वो लेसन आपको पता रहना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड फिजिकल थ्योरी। बट दोस्तों ये रट्टा है, इसमें कुछ मजा नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स क्या होता है, चलो एक बार सैर करके आते हैं, घूम के आते हैं। तो चलो, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज आपको ये फिजिक्स वाला भूत एक ऐसी दुनिया में लेके जाएगा, आपको बतलाएगा कि आपके चारों तरफ ही फिजिक्स से फिजिक्स है दोस्तों। आप हर तरफ फिजिक्स से ही सोचना स्टार्ट कर दोगे तो अपना फ़ोन ऑन कर लो एंड गिरी ट्यूटोरियल उस पर सर्च कर लो। दोस्तों आपको पता है ये जो फ़ोन आपको हमसे मिला रहा है ये भी क्यों बना है, इसके पीछे भी रीज़न दोस्तों फिजिक्स ही है। तो ये भी हमें फिजिक्स से समझाएगा कि ये फ़ोन कैसे वर्क करता है दोस्तों। और आपको आगे पता है ये जो देखो ये जो चिड़िया, इन चिड़ियों की प्यारी प्यारी आवाज़ हमारे कानों तक जो आता है वो भी फिजिक्स है। ये एनिमल्स जो हमें अपनी जगह पे नहीं दिखाई देते पानी में वो भी फिजिक्स है। ये देखो ये कितने स्पीड से दौड़ेंगे वो भी फिजिक्स है। कितने स्पीड से हम पर हमला करेंगे दोस्तों वो भी फिजिक्स है। ये हवाएं कितने स्पीड से बढ़ने वाली है, कैसे आगे बढ़ने वाली, क्या क्या गिराने वाली है, कौन बतलाएगा, वो भी फिजिक्स है। ये रात की लाइटें जो चारों तरफ कलरफुल दिखाई दे रही ये जो बताएगा वो भी फिजिक्स है। हम आराम से रोड पर चलते चले जा रहे बिना स्लिप हुए ये भी फिजिक्स है। ये देखो हम अपनी बाइक और कार दौड़ाए जा रहे ये जो बताता है वो भी फिजिक्स है। रोड ही नहीं दोस्तों, हम जो ऊपर अपनी एरोप्लेन अपनी उड़ा के लेके जाते हैं और आराम से चलते चले जाते हैं, इन चीज़ों को जो एक्सप्लेन करेगा वो भी फिजिक्स है। तो फिजिक्स ही फिजिक्स है दोस्तों। यहाँ तक नहीं है, आप अपने रॉकेट को बैठ जाओ, अपने रॉकेट पे फटाफट बैठो और रॉकेट पे बैठने के बाद दोस्तों जो यूनिवर्स की सैर कराता है और ये बताएगा कि कैसे हमें करना है और कैसे वहाँ तक पहुँचना है और ये जो पूरी चीज़ें पूरी थ्योरी को समझाता है तो दोस्तों वो भी फिजिक्स है। स्टार प्लैनेट ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हमें बतलाता है, जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, जो बस हमें सपनों में दिखाई देते हैं या हमसे दूर दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों को जो ऐसे चीज़ों के बारे में जो समझाता है वो भी फिजिक्स है दोस्तों। ऐसे रोड पे जहाँ हम गिरते हैं और गिरते क्यों हैं ये भी हमें बतलाता है। और हम माउंटेन का चक्कर काट काट कर आराम से पहुँच जाते हैं, वो क्यों पहुँच जाते हैं, कैसे पहुँच जाते हैं, ये जो समझाता है वो भी फिजिक्स है दोस्तों। दोस्तों अब बहुत ज़्यादा थक गया है आपका ये फिजिक्स वाला भूत, तो अब थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए मतलब मन को शांत कर लिया जाए। तो अब आपका ये फिजिक्स वाला भूत थोड़ा गिटार बजाता है, पर दोस्तों गिटार की जो आवाज़ है हमारे कानों तक जो पहुंचाता है वो भी फिजिक्स है। इस चीज़ को जो समझाता है वो भी फिजिक्स है, हमारे कानों तक कैसे आवाज़ आया। और सब बजाते हैं दोस्तों, पर जब सब बजाते हैं तो वैसा नहीं बजता, क्यों ऐसा, क्या ऐसा, हर चीज़ को जो समझाता है वो भी फिजिक्स है दोस्तों। दोस्तों अब दिल में जो चीज़ें उठ रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कि आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि हर जगह फिजिक्स है दोस्तों, फिजिक्स ही फिजिक्स है। तो सच बात है, फिजिक्स मतलब प्रदीप, फिजिक्स मतलब प्यार, फिजिक्स अगर आप अच्छे समझ लोगे तो फिजिक्स बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो फिजिक्स मतलब पछतावा भी लगेगा दोस्तों। इसीलिए अब आपका ये फिजिक्स वाला भूत इसके साथ ही बाय बाय करना चाहता है। आपको ये फिजिक्स वाला भूत जल्दी ही मिलेगा दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लियर करके देगा। बस एक बात याद रखना, इफ़ यू नो फिजिक्स देन यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। दोस्तों अगर आपको फिजिक्स पता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर में। तो कहने का मेरा क्या मतलब है दोस्तों, कमेंट्स में लिख के बताओ मैं किन चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की बात कर रहा हूँ। अगर आपको फिजिक्स पता है तो आप क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, कमेंट्स में बरसात लगा दो दोस्तों, मुझे भी दिखाई दे कि आपको फिजिक्स अगर समझ में आ गया तो मेरे दोस्त क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मेरी बातों को कैसे समझ सकते हैं। तो आग लगा दो कमेंट्स में दोस्तों। बाय बाय बाय। अरे प्रदीप किधर खोए हुए, लेक्चर दे नहीं रहे हो अच्छे से। तो दोस्तों मैं तो आपको फिजिक्स समझाने गया था, समझ में आया कि नहीं फिजिक्स क्या है।
थ्री इडियट में भी समझाया था फिजिक्स क्या है। तो सच में सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए फिजिक्स होता क्या है। मुझे लगा आप वहीं अभी घूम रहे हो, तो आ जाओ वापस आ जाओ। फिजिक्स मैंने आपको बताया, फिजिक्स ये है दोस्तों, ये तो बस एक रट्टा है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड फिजिकल थ्योरीज। ये अगर आप करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। बट फिजिक्स मतलब क्या होता है मैंने आपको शायद अच्छे से समझा दिया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। जितना ज़्यादा बटन दबा सकते हो तोड़ दो बटन को, बट क्लिक कर दो। ओके, तो दोस्तों आपको फिजिक्स मतलब समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने धीरे 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 लेसन की तरफ, आगे बढ़ रहे हम लोग। फर्स्ट यूनिट एकदम सिंपल सेट, इट इज यूज टू मेजर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज यूज टू मेजर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स का यूज किया जाता है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। पोटेंशियल मतलब, मुझे पता है आपके मन में डाउट आ रही है ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी, समझ में? मैं आपके दिल का दर्द समझता हूँ, टेंशन मतलब। इट इज यूज टू मेजर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अगर मैंने ऐसे लिखा कि आप जो भी देख रहे हो, चलो ये जाओ लेके आओ, इतना राइस लेके आओ, ये सर पागल हो गए क्या? जब तक हम इसको आगे कुछ लगाते नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा जाओ 5 लीटर राइस लेके आओ, तो आप जितने देखने वाले आधा मुझे पागल ही बोलेंगे 5 लीटर। सही बात है, क्योंकि इसका ये मैग्नीट्यूड बताता है, ये हमें बताता है कि उसका यूनिट्स बताता है, और ये दोनों मिलके जो चीजें होती है वही होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि इसकी पहचान अलग है, ये हमें बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना चाहिए हमें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये हमें बताता है कि उसका स्टेट क्या है। जैसे अगर हम ऑयल लेने जा रहे हैं तो हम लीटर में यूज करते हैं, सही बात है कि नहीं? कोई लीटर में ही लेते हो ना ऑयल लेते हो, तो सही बात है कि नहीं? ओके, राइस लेने जा रहे तो हम केजी में यूज करते हैं। अब तो हर चीजों की जो हमें पीछे यूनिट लगा रहता है उसे बहुत सारी चीजें, और दोनों मिलकर कंबाइन जब हो जाते हैं तो हमारा बन जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो इट इज यूज टू मेजर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज यूज टू मेजर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एंड फिजिकल क्वांटिटी मतलब मैंने बता दिया दोस्तों, जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है यूनिट भी रहता है, दोनों को कंबाइन कर दें और बन जाएगा हमारा यूनिट। क्या बनेगा? यूनिट। ओके, देन नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दो टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड टाइप डिराइव क्वांटिटी। फर्स्ट टाइप इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज डिराइव क्वांटिटी। ओके, देखो दोस्तों मैं अपने साथ ही आपको नोट्स भी देते जा रहा हूँ कि आपको इधर उधर मुंह ना मारना पड़े, फटाफट नोट्स सब कुछ मिलेगा, फटाफट याद कर लो। जब स्कूल कॉलेज खुलेगा बाकी लोग पहले समझना स्टार्ट करेंगे, आप मस्त वेयर। अपने को तो 2-3 लेसन आता है, 4 लेसन अच्छे से आता है, तो 11 का जो भूत होता है ना आपको 6 महीने बाद समझ में आता है, स्टार्टिंग में नहीं। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज अ डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज अ डिराइव क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी? मैं देखो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ाऊंगा, थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज होना जरूरी है जीटीएन, आपको पता है ना, कंफ्यूज वही होता है जिसको कुछ समझ में आता है, वो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता जिसको कुछ नहीं समझ में आता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज डिराइव क्वांटिटी। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज डिराइव क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी पहले पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर डिराइव क्वांटिटी के टाइम आप क्लियर हो जाओ, क्लियर मतलब समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। दोस्तों मैंने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं है, समझ में भी नहीं आना चाहिए। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बार और पढ़ता हूं, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट दोस यूनिट आर कॉल्ड वी कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। दोस क्वांटिटी वी कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। नहीं समझ में नहीं आना चाहिए, रुको, वेट करो। आगे बढ़ते पहले, आगे। देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 टाइप्स के। पहला मास, फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड इज टाइम,
टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपके लिए नया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये टोटल आपने पढ़ा था, आपको पहले पता था ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं पता था, ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब बताता हूं, जो भी क्वांटिटी कोई और फिजिकल क्वांटिटी के बिना हेल्प से चीजों को डिफाइन कर देता है वो होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी भी समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं, टेंशन मत लो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस पेन का लेंथ कितना है, आप मुझे बताओगे, मीटर में बताओगे, सेंटीमीटर में बताओगे, जैसे आपको बताना, बताओगे मीटर सेंटीमीटर ऐसे बताओगे। अगर मैं आपको पूछूंगा, जैसे मम्मी ने मुझे किलोग्राम, आप मैं पूछूंगा मेरा वेट कितना है तो आप मुझे बताओगे 70, 60, 50 केजी, आगे लगा केजी ऐसे लगा के बताओगे, 50 केजी, 70 केजी, 80 केजी, 90 केजी ऐसे बताओगे, सही बात है। बट वही अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ दोस्तों वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बोलोगे आप? अगर आप वेलोसिटी बताओगे तो मुझे क्या बताओगे? टू मीटर पर सेकेंड। ओके, तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यही इस फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना एक ही क्वांटिटी अपने आप को डिफाइन कर देता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी और पे डिपेंड नहीं रहता। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी किससे बनता है? फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है। किससे बनता है? फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से, क्योंकि उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अगर मैं टेम्परेचर बोलूं तो आप केल्विन ही बोलोगे, तो केल्विन को किसी और क्वांटिटी की जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी। किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी? इन सातों को किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही, जो ये सातों किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे अभी हम, मतलब आप लोग किस पे डिपेंडेंट हो? अपने मम्मी पापा पे ना, तो आप फंडामेंटल नहीं हो, आप डिराइव हो। क्या हो आप? डिराइव। मैंने अगली वाली क्वांटिटी भी बता दी, आप क्या हो? डिराइव। बट आपके मम्मी पापा अभी आप पे डिपेंडेंट नहीं है। एग्जांपल के ले लो, ये मत बोलो सर वो यहाँ डिपेंडेंट है। आपके मम्मी पापा आप पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपना खा सकते हैं, कमा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, वो खुद ही है, तो वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिनकी यूनिट यही है, किसी और यूनिट की इनको जरूरत नहीं है, वो किसी और यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो यही इनकी यूनिट है, यही इनकी पहचान है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, अपने मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जितने भी है साथ के साथ, इनके पास खुद का यूनिट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी के भरोसे नहीं बैठे रहते, इनका खुद का यूनिट है। और ऐसे जो भी क्वांटिटी होते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी होते हैं जो खुद पे डिपेंड, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते, उनके पास खुद का सब कुछ है, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम? फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बार और, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं होता, जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते। लेंथ, ऐसा यूनिट मीटर होता है, उसका सिंबल क्या होता है? एम। मास किलोग्राम, उसका सिंबल क्या होता है? केजी। टाइम सेकेंड। टेम्परेचर केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके लिए नया है, पर आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेवलेंथ, लाइट के वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं आगे जैसे बढ़ोगे फिजिक्स में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, उसका सिंबल है सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आपको पता है, मोल, और इसका सिंबल है मोल, MOL। ओके, तो ये इतने यूनिट्स हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, पर अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप, डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी पे बस इतना ही लिखना है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। ये कैंसल, ये डिपेंडेंट रहते हैं,
ये डिपेंडेंट रहते कैसे, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, खुद के मेजरमेंट के लिए। और फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, ऐसा बोल देंगे द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ऑन फंडामेंट, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तो फिजिकल, ये जो डिराइव क्वांटिटी है, ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किसका टाइप है, डिराइव क्वांटिटी है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड, ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, और ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। तो जो भी क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी मतलब कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है अपने खुद के मेजरमेंट के लिए, और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव। जो डिपेंड किसी पे नहीं रहता वो फंडामेंटल, और जो डिपेंड रहता है वो क्या रहता है, डिराइव। एग्जाम्पल पहली बता दिया हूं, चलो डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किस पे डिपेंड है, मास पे भी है, वॉल्यूम, और मास और वॉल्यूम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये कौन सा हो गया, डेंसिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी। डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, डिराइव, क्या हो गया हमारा, डिराइव। ओके अब और ले लेता हूँ, और बताता हूँ मैं, वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड क्या है, ये मीटर पर सेकेंड क्या है, फंडामेंट, मीटर और सेकेंड दोनों अलग अलग है, क्या है, किसका यूनिट था, फंडामेंटल क्वांटिटी। बट मीटर पर सेकेंड को बनाने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ा, फंडामेंटल क्वांटिटी का, किसका हेल्प लेना पड़ा, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसीलिए वेलोसिटी में जो भी यूनिट यूज होता है वो कौन सा यूनिट है, डिराइव क्वांटिटी। कौन सा यूनिट है, डिराइव क्वांटिटी। देखो वेलोसिटी को अपना यूनिट बनाने के लिए उसको किसके पास जाना पड़ा, फंडामेंटल के पास ना, क्योंकि मीटर पर सेकेंड किसका है, फंडामेंटल। तो दोस्तों इन शॉर्ट बस यही बताना चाहूंगा मैं आपको, दोस क्वांटिटी डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट रहता है वो डिराइव होता है, जो खुद से उसका यूनिट नहीं होता, खुद से उसका कुछ नहीं है, वो दूसरों का ले दे के चलता है। जैसे एग्जाम जिसको कुछ नहीं आता वो दूसरे के भरोसे बैठा रहता है, वैसे डिराइव के पास खुद का कुछ नहीं, वो दूसरे से, जैसे अगर वेलोसिटी का यूनिट निकालना है तो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का निकालना है तो एक्सेलरेशन का तो मीटर पर सेकंड, ये सब किसका है, इसका ही है। पर यहां तो ये लोग खुद का अकेले है, फंडामेंटल खुद का अकेला है, बट डिराइव के लिए ऐसी जो भी यूनिट जो किस पे डिपेंडेंट हो, फंडामेंटल पे डिपेंडेंट हो, और ऐसे को हम क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी। ओके तो फंडामेंटल फिर से मतलब दोस्त डू नॉट डिपेंडेंट वो क्या होगा हमारे लिए, फंडामेंटल, और जो डिपेंडेंट है वो मेरे लिए क्या होगा, डिराइव। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अभी डिराइव के यूनिट्स लिखाना बाकी है, जैसे ही डिराइव का यूनिट्स लिखाऊंगा, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा छोटा है, और आज वीडियो बहुत सारा रिकॉर्ड करना है, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मजा है। तो आज जो जो चीज़ें मैंने कराई पहले बता दूँ, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील विद किससे, मेजरमेंट एंड फिजिकल थ्योरी। इसके बाद फिर इसके बाद यूनिट क्या होता है, इट इज यूज टू मेजर द वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज अ डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एंड डिराइव मतलब डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसके एग्जाम्पल हमने लिख दिए, इसके एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स भी क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का केजी होता है, और एक्सेलरेशन क्या क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का भी जो यूनिट है वो भी इसके भरोसे ही बनता है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो भी कौन सा यूनिट है, डिराइव। तो कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी हो गई, डिराइव क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गई, फोर्स, डिराइव क्वांटिटी। जिसके यूनिट किसी और के द्वारा बनते हैं वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, डिराइव क्वांटिटी। ओके तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आज के लिए बस इतना ही हम आपको बताएंगे, इतना ही ज्ञान देंगे। नेक्स्ट में मिलेंगे हम डिराइव, जो भी क्वांटिटी है बहुत सारे, क्योंकि उसको मुझे डायमेंशन, अभी एक नया टॉपिक आने वाला डायमेंशन, तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उसको अच्छे समझ लेना, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकी अगला और है, फिर से चीज़ें रिवाइज होती जाएगी। ओके डिपेंडेंट है तो डिराइव, नहीं डिपेंडेंट है तो फंडामेंटल। देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल, ये सब सातों के सातों याद कर लेना, यही सेवन मिलके किसको बनाते हैं, डिराइव क्वांटिटी के। फोर्स भी क्या है, डिराइव क्वांटिटी है ना। और बताओ बहुत सारे कौन कौन से डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी का नाम फटाफट बताओ, जिसका
जो फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेके बनते हैं, फोर्स हो गया, फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2। अगर मैं इसका यूनिट बनाऊं, इसका यूनिट बनाऊंगा तो भी काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी है ना जूल। ओके तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जितने बस इसको छोड़ के जितना भी क्वांटिटी है वो सब क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी। क्या है? डिराइव क्वांटिटी। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही खत्म करता हूँ मैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें रहेगा डिराइव क्वांटिटी प्लस डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि डायमेंशन ये सब चीज़ें जिंदगी भर नहीं आता बच्चों को, सब कुछ सर फोड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं पर कुछ समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे आप बढ़ो आगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। प्रदीप एंड राहुल सर आपके साथ हैं, ऐसे मस्ती मजाक में आपको धीरे धीरे आपकी नैया पार लगा देंगे आपको। क्योंकि देखो आपको अगर जेई और नीट क्रैक करना है या कुछ ड्रीम है बड़ा, कुछ भी सपना है बड़ा, कुछ भी अच्छा कुछ करना है तो दोस्तों अभी से स्टार्ट करो। सब सो रहे, सब घूम रहे फिर रहे, जैसे ही क्योंकि अब रिजल्ट आपको मैंने बताया, वीडियो मैंने बनाया था, रिजल्ट ज़्यादा अगर 10 से भी ज़्यादा लेट होगा, 15 उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा दोस्तों, उससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा तो आप भागोगे इधर उधर, और फर्स्ट ड्यूटी 15-20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आ जाएगा। और अगर आप एवरेज निकाल लोगे ना, चाहिए अपने दोस्तों से पूछ लो, आजू बाजू में है बहुत सारे, निकाल लो, हर साल 11th बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ड्यूटी और सेकेंड ड्यूटी में फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चे, और इनसे कॉन्फिडेंट गिर जाता है, स्कॉलर बच्चों का भी कॉन्फिडेंट गिर जाता है, स्कॉलर बच्चों का कॉन्फिडेंट गिरने के कारण वो आगे स्कोर नहीं कर पाते। इसीलिए ज़रूरी है कि अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, उसको अच्छे करते जाओ, कि जैसे ही 11th में जाओ टीचर्स के सामने अपना जलवा दिखाओ, टीचर्स को पता ही ना चले कौन सा पहला स्कॉलर था, ये तो अभी भी स्कॉलर है, पता नहीं पहले था कि नहीं, उसको उनको लेना देना नहीं, उनके मार्क्स से लेना देना नहीं। आप और मैं बोलूँगा, मैं साइंस का सर हूँ मुझे पता है, बट मैं यही बोलूँगा कि साइंस बाकी जितने भी स्ट्रीम है उसके कंपैरिजन मैं तो बोलता हूँ सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि जो आजू बाजू में चल रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, वही साइंस है। तो हमें बस उन चीज़ों को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत मजा आता है साइंस पढ़ने, बहुत ज़्यादा मजा आता है दोस्तों। तो दोस्तों एक लाइन और बोलूँगा, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो फ्यूचर है आपके पास पे डिपेंडेंट है। अगर आप आज हंस रहे हो इसका रीज़न है कि आपने पीछे बहुत अच्छा किया होगा, आज आप रो रहे हो तो इसका रीज़न है कि पीछे आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसका रिजल्ट आपको आज मिल रहा है। इसीलिए अगर आगे हंसना है तो आपको आज पास्ट अच्छा करना पड़ेगा, आज अच्छा खासा कुछ करना पड़ेगा तभी आगे हंसोगे, नहीं तो आगे जाके फिर पीछे अपने पास्ट को बोलोगे अरे यार ऐसा कर लिया तो ऐसा होता, ऐसा कर लिया तो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो बाद में रोने से अच्छा है कि अभी कुछ अच्छा कर लो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सब लोग जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले या नॉर्मल सब लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, COVID-19 बहुत कंपटीशन लाने वाला है, क्योंकि जॉब बहुत कम हो जाने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली, क्योंकि अब किसी का पैसे नहीं बचेंगे तो आपको पैसा कहाँ से देगा। आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होगा तभी आपको कुछ मिलेगा दोस्तों, नहीं तो यही बेच पा रहे। ओके तो अगेन थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना वीडियो लास्ट तक देखा और कुछ आपको समझ में आएगा। अभी तो यह स्टार्टिंग है, फर्स्ट लेक्चर है, अभी तो लास्ट तक चलना है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।